परसों मैंने इवनिंग को वीडियो डाला था एंड तब भी लास्ट वाले क्लिप में मैंने दिखाया था कि बरसात जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद का वीडियो है ये। परसों अराउंड 4 o'clock हम लोग के यहाँ इतने ओले गिरे एंड इट वाज अराउंड फॉर 20 मिनट्स कंटिन्यूअस। इतना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट मेरा पूरा गार्डन वाइट हो गया था एंड उसके बाद इतना ज़्यादा डैमेज हुआ मेरे गार्डन में। मैं थोड़ा उस टाइम में मैंने जो थोड़ा बहुत वीडियो लिया था बरंदा के अंदर से, क्योंकि बाहर इतने ज़्यादा ओले बरस रहे थे, तो वो थोड़ा दिखाती हूँ। उसके बाद मैं जितना भी डैमेज हुआ है वो भी दिखाती हूँ आपको। कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे परसों तो बहुत देर तक बरसात हुआ, तो कल सुबह जब मैं उठ के देखी तो मेरा इतना ख़राब लगा मन, क्योंकि गार्डन इतना डैमेज हो गया था। मेरे फोलियज प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स सारे इतने डैमेज हो गए थे और इतने बड़े बड़े देखिए पत्थर गिरे, तो आई वॉज सो सैड। तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया, आई वॉज जस्ट आई डेंट फील लुकिंग एट माई प्लांट्स। उसके बाद आज मैंने थोड़ा साफ सफाई स्टार्ट किया, डैमेज कितना हुआ है वो भी देखा है एंड देन आई जस्ट ट्राई टू कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है एंड अभी क्या कर सकते हैं डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये देखिए, और इतना ज़्यादा ज़ोर से बरसात भी हुआ। फिर ये है मेरा रिंग ऑफ फायर, इतना कॉस्टली प्लांट, इतना रेयर प्लांट, ये रह गया था और मुझे दिखाई नहीं दिया था। मैंने इंपेशेंस को और कुछ फ्लावर्स को बचा लिया था क्योंकि मेरा नज़र था कि मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स को थोड़ा बचाना है एंड आई थॉट कि सिर्फ बरसात ही होगी, लेकिन इतने ओले बरसेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा ऐसा हेल स्टॉर्म हुआ है। और ये देखिए मेरा ये पेटूनिया, ये स्टार्ट किया ही था फ्लावरिंग करना पूरा ख़राब हो गया। फिर ये ठीक है डस्टी मिलर का इतना ज़्यादा पत्ता इसमें डैमेज हुआ, ये ऑलमोस्ट शेड के नीचे था फिर भी बहुत ज़ोर से गिर रहे थे, तो जो भी पत्थर अंदर आए उसी से ये भी डैमेज हो गया। और देखिए नीचे पत्ता गिरा हुआ है एंड देन हिबिस्कस में भी पत्ते पूरे फट गए हैं। जो हेल स्टॉर्म होता है फ्रेंड्स, जो ओले वाले बरसात होते हैं, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका अगर एग्रीकल्चरल में बहुत डैमेज होता है, आपका अगर सब्ज़ी वगैरह का गार्डन हुआ है वेजिटेबल गार्डन भी डैमेज होता है, तो उसके बाद सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो मेरा ये हिबिस्कस में देखिए गुड़ैल में पत्ते, ये देखिए कितना हेल्दी कितना सुंदर प्लांट था, ये सारे न्यू ग्रोथ होना ही स्टार्ट हुआ था पूरे फट गए हैं। तो और ये एकदम डायरेक्टली पानी नहीं गिरा फिर भी ऐसे फट गए हैं, इसमें भी देखिए सेम डैमेज है। और ये मेरा बेचारा कैलेंडुला को देखिए, ये जस्ट फ्लावरिंग करना स्टार्ट किया था, इसका हालत देख लीजिए आप, फ्लावर तो गिर ही गए हैं लेकिन पत्ते में बहुत डैमेज हो जाए। फिर मेरे सारे मेरीगोल्ड ऐसे हो गए हैं, गेंदा इतना फ्लावरिंग कर रहा था और मैं हमेशा अपने वीडियो में मेरे गेंदा को दिखाती थी क्योंकि मुझे खुद को देख के अच्छा लगता था और मुझे जो खुद को देख के अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन अभी ऐसा ही हो गया, फिर उपाय नहीं है, यह नेचर का एक पार्ट है। सो आप गार्डनिंग जब करेंगे तो आपके साथ अच्छा बात भी होगा फिर बुरी बात भी होगी, लेकिन वही हम लोग को थोड़ा ख़राब लगता है क्योंकि हम लोग इतने प्यार से गार्डन को संभालते हैं। और आज हम लोग का धूप निकला है, तो आज ये मेरे कैट्स भी धूप सेक रहे हैं। तो ये देखिए ये, फिर ये इसका काल तो मैंने जैसा बोला कि मुझे मन ख़राब लग रहा था तो मैंने गार्डनिंग नहीं किया, तो ये कार्नेशन के फ्लावर्स भी ख़राब हो गए थे, इन सबको भी मैंने कट नहीं किया था, अभी मैं करूँगी। और फिर सब में बहुत अच्छा से फ्लावरिंग हो रखा था एंड ये पिटूनिया नीचे इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, ये ऊपर से कभी कभी पता नहीं चलता है, लेकिन सारे ही ऊपर के जो बड्स थे जिसमें फ्लावरिंग होने वाले थे सारे टूट गए हैं। तो क्योंकि 20 मिनट्स कंटिन्यूअस, क्योंकि बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म हुआ है हम लोगों के यहाँ एंड जब हो रहा था तो ऑलमोस्ट इट वॉज कम्प्लीटली वाइट। तो एंड मुझे तब भी समझ में आ गया बिकॉज आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड। जब मैं आप लोगों को बोली थी कि अभी बरसात आने वाला है तो फिर मैंने अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को सोचा कि नॉर्मल सा बरसात होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ को बचा लूँ, तो इंपेशेंस को भी बचाया था। उसके बाद सडनली ओले बरसने स्टार्ट हो गए। ये देखिए ये क्रोटन को मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको, और ये मैंने नया लिया है और इतना हेल्दी इतना सुंदर प्लांट था, और ये देखिए इसका क्या हालत हो गया है, एक भी पत्ता नहीं बचा है स्केच्ड, सारे पत्ते ऐसे हो गए हैं, इधर से टूट गया उधर से टूट गया, ऑलमोस्ट क्या बोलूँ अभी इसको, अभी अच्छा से जब नॉर्मल सा थोड़ा अप्रैल के महीने में अच्छा से जब बरसात होगा तभी इसमें नया ग्रोथ होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेल चुका है। फिर देखिए मेरा ये ऑलमोस्ट फुल पॉट हो गया था, ये ऑक्सिलस ट्रायंगुलस, इसका हालत देखिए सिर्फ दो पत्ता ही बचा है क्योंकि ये बहुत नाजुक प्लांट होते हैं एंड इतने ज़्यादा ओले जब बरसे, सारे जो पॉट्स हैं ना मेरे फ्रेंड्स सारे वाइट हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि जो हम लोग वाइट और डेकोरेटिव पत्थर डालते हैं ना वो डालने से जैसा होता है, वो सारे पॉट वाइट हो गए थे।
और ये मेरा कोलियास, ये एग्लोनीमा पूरा ख़राब हो गया है, और फिर कोलियास में देखिए पत्ता बचा ही नहीं है, तो क्या बोलूँ मैं आपको, देख के ख़राब भी लगता है, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि गार्डनिंग में अप्स एंड डाउन्स तो होएंगे। तो ये मैं किसी और पे लगा दूँगी, सूखा हुआ पत्ता वगैरह कट छाट करके, और ऐसे देखिए ये मेरा कोलियास, इतना अच्छा ये कटिंग से बना हुआ कोलियास था, ऐसे हो गया, सारे मेरे कोलियास बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। और ये देखिए ये एग्लोनीमा, उस दिन मैंने इस साइड का आप लोगों को शेयर किया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इम्पेशंस को, कालांकोई को बचाऊंगी, और अगर डायंटस वगैरह को मैंने सोचा था कि छोड़ दूंगी, उसके बाद थोड़ा टाइम था तो मैंने जितना हो सके इधर उधर थोड़ा बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे छुपा दिया था, तो वो सारे बच गए हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए थोड़ा जो गैप देख रहे हैं यहाँ पर, सान इम्पेशंस थे उन सबको मैंने बरंदा में रखा था, तो वो तो बच गए हैं, अभी मैं लेके आऊँगी। तो और बाकी ये इस साइड में आप देख पा रहे हैं ये बच गए थे, क्योंकि मेरा जो एक एरिया है जो मैं बोलती हूँ कि अगर ज़्यादा रेन वगैरह हुआ तो मैं कभी कभी इन सबको रखती हूँ, तो मैं अराउंड 6-7 पॉट रख पाई, तभी ज़्यादा ज़ोर से बरसात स्टार्ट हो गया उसके बाद, तो इसलिए ये सारे बच गए थे, नहीं तो ये भी नहीं बचते। तो और इधर एक बात और एक एडवांटेज है, साल्विया को मैंने नहीं रखा फिर भी बच गया, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी ऊपर एक यू नो हम लोग के बरंदा के ऊपर एक शेड बना रहता है ना, ताकि पानी अंदर ना जाए, तो इसके ऊपर भी एक शेड बना हुआ है, इसलिए जब ओले बरस रहे थे बहुत डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, उस साइड में जो गुड़ल साइड में जितना डायरेक्टली पड़ा है इस साइड में उतना डायरेक्टली नहीं पड़ा है। मैं थोड़ा जूम करके भी आप लोगों को दिखा लेती हूँ और मैं शेड भी दिखाऊंगी। तो ये डायंथस को तो मैंने अंदर रख दिया था और इम्पेशंस को रख दिया था, बाकी साल्विया को नहीं रखा, फिर भी थोड़ा अराउंड 25-30% डैमेज हुआ है, बाकी सारे बच गए थे। तो इस साइड का गार्डन देखने से आपको थोड़ा एटलीस्ट नो दिल को थोड़ा तो राहत पहुंचता है कि कुछ तो बच गया मेरा, लेकिन वो साइड देखने से मुझे बहुत लाइक ख़राब लगता है। एंड ये सारे सीजनल तो इस बार वापस नहीं आएंगे ना, ये देखिए ये जो शेड बना हुआ है ना, जिसको हम लोग सन शेड बोलते हैं, इसके लिए थोड़े बच गए मेरे जो सीजनल है, तो मैं थोड़ा ना दूर से दिखा रही हूँ, तो ऐसे व्यू आता है, तो इसलिए बच गए, नहीं तो ये सारा अगर ख़राब हो जाता तो मैं तो लाइक मुझे गार्डनिंग करने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि इतना हम लोग लाते हैं आशा एक्सपेक्ट करके, फिर मेरा पॉट भी बहुत सारे टूट गए हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि कुछ कुछ पॉजिटिव बातें भी दिखाना चाहिए, सारा निगेटिव दिखा के तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, गार्डनिंग आज साफ सुथरा गार्डन को करके फिर जो भी डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। ये जीनिया वगैरह अभी ये प्लान दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं, मैंने बीच के लिए रख दिया ये फ्लावर्स, क्योंकि अभी गर्मी में जीनिया के बीच लगाऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ये छोटा सा गार्डन अपडेट देखने के लिए, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।